बढ़ते प्रदूषण के लिए यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया था। इस पर तो फिलहाल हम कोई कमेंट नहीं कर रहे, लेकिन भारत और चीन में बढ़ते प्रदूषण के लिए अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश जिम्मेदार है, ये साबित भी हो चुका है। कैसे, चलिए जानते हैं। साल 2015 तक अमेरिका दुनिया में 40%, यूरोपियन यूनियन 29% कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार था। वहीं G8 में शामिल 8 देश 85% कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। इन देशों की तुलना में भारत और चीन जैसे कई विकासशील देश अपनी लिमिट में रहकर ही कार्बन उत्सर्जन कर रहे थे, यानी ज्यादातर कार्बन उत्सर्जन के लिए विकसित देश ही जिम्मेदार हैं। कहने का मतलब ये है कि इन देशों ने पहले खुद हवा, पानी, समुद्र को प्रदूषित किया और अब इसके लिए भारत चीन को जिम्मेदार बता रहे हैं। 2009 के कोपेनहेगन समिट के दौरान विकसित देशों की तरफ से विकासशील देशों को 2020 तक हर साल $100 बिलियन देने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक इस पर महज 40 बिलियन ही खर्च हो पाया है, वो भी सही ढंग से नहीं। और भारत को तो इस मद से अब तक पैसा ही नहीं मिला है। प्रदूषण फैलाने वाली चीजों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल विकसित देशों में ही होता है। इनमें अनाज, दूध और मीट जैसे उत्पादों की वैश्विक खपत 48-72% के बीच है। फर्टिलाइजर की वैश्विक खपत 60%, पेपर में 81%, कॉपर और एल्यूमिनियम में 86%, आयरन और स्टील में 80% और गाड़ियों के मामले में 92% है। इन सब को देखकर साफ है कि मुट्ठी भर दुनिया के लोग इन चीजों की इतनी ज्यादा खपत कर रहे हैं कि इसका सीधा असर हमारे एनवायरमेंट पर हो रहा है, जिसे कम करने की जरूरत है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भारत के पास ऊर्जा उत्पादन को लेकर ऑप्शन नहीं है, पर इतनी जल्दी पूरी तरह से शिफ्ट होने में टाइम और रिसोर्स दोनों लगेंगे।